सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सामने महज 15 दिन पूर्व बने पुलिया पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। शास्त्री अस्पताल सुपेला के मुख्य मार्ग में नाली के ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस भी इस मार्ग से गुजरकर अस्पताल पहुंचती है। इस गड्ढे को रात के समय अनदेखा करने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सर्विस लेन के बगल में नाली के ऊपर रखे पत्थर के मध्य में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो लोगों के आवागमन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इसी मार्ग से डॉक्टर, मरीज एवं एम्बुलेंस का आवागमन होता रहता है। इसके बावजूद इसके मार्ग को दुरुस्त करने के बजाय लापरवाही बरती जा रही है। शासकीय अस्पताल के सामने से गुजरती 4 लेन के दूसरी तरफ नगर निगम का मुख्यालय भी है, बावजूद इसके यह बड़ा गड्ढा किसी के नजर में नहीं आ रहा है। ये इसको निर्माण हुए मुश्किल से 15 या 20 दिन हुआ होगा। वैसे तो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे मेरे को लग रहा है कि जान लेने के लिए बनाया गया है। यहाँ से रोजाना कम से कम 10 से 15 बार यहाँ से जो एम्बुलेंस एक स्वाट गुजरती है मरीजों को लेके, पहले 10वां दिन हुआ होगा मेरे ख्याल से, एक एम्बुलेंस खाली निकली है और ये बैठ गया। अगर उसमें मरीज गंभीर मरीज रहता वो तो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाता, पहले मर जाता। ये पूरा भ्रष्टाचार है। उसके अंदर में सीमेंट तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ रेता है और गिट्टी दिखी है। आप देख लीजिए वहाँ पे, और नीचे सील लगाया हुआ है, जबकि वहाँ पे पूरा फ्लोरिंग करना चाहिए था, उसके बाद बनाना चाहिए था। और जो सरिया यूज़ किए हैं वो पहले जो टूटा था पुलिया, उसी का सरिया दोबारा यूज़ करके बनाया गया है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है इसमें, कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप देख लीजिए इसमें, अब जो ठेकेदार है वो दोषी होगा, निगम का ठेकेदार, उसको खुद देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था। यहाँ से हॉस्पिटल के लिए बनाया जा रहा, सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। भैया देखिए, 15 दिन पहले ही यहाँ का मतलब ये पुल का निर्माण हुआ है। कुछ भी ये हमारे अधिकारी वाले जो लोग हैं निगम वगैरह के, उन्होंने ये बनवाया था। खैर, जिस तरीके से बनना चाहिए एक पुल वगैरह जो भी देख रहे हैं, नाली वगैरह ऊपर बेस जो लगना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। माल वगैरह कुछ तो भी डाल करके रिपस पट्टी और पुराना माल डाला हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं बैंड हुआ है पूरा, पुराना माल डाल करके उसको जैसे तैसे बना दिया। उसके बाद भी बड़ी गाड़ियों का ऑलमोस्ट यहाँ आना मना है, ट्रक वगैरह सर्विस रोड पे तो आ नहीं सकते हैं। उसके बाद भी कोई रोक टोक नहीं है, ना उनको कोई मना करता है, बड़ी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। और कल को अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अभी तो खैर इतना हुआ है, इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। खैर अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करा है, गड्ढा भी हो गया है, कोई आकर देखने वाला नहीं है, कोई किसी ने भरपाई इसकी अभी तक नहीं देखी। ये पुलिया इसलिए हो गया कि पूरा पुराना वाला जो सरिये थे निकले थे इसमें से जंग वाले, वही सरिया को फिर से यूज करके इसमें डाल के और मटेरियल ख़राब होने की वजह से एम्बुलेंस कोई भी गाड़ी जाने से तुरंत धंस गया हो, एक महीना भी नहीं चला। बावजूद इसके कोई भी इसकी सुध लेने नहीं आए, ना ही क्षेत्रीय पार्षद यहां आए और ना ही निगम के कोई अधिकारी। शायद इन सभी की नींद तब खुलेगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।